हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, आज हम आए हैं जहाँ पे हमारा आटा पिसवाया जाता है। वो गैया रखे हैं एक, ये देखिए कितना गोबर है गैया का, और ये है नाद, ये है बच्चा उसका, और इसी में उसको रखते हैं। देखिए किस तरह से, हमारे मार्केट में अभी इतना इस तरह से कोई बना के अपने गैया को नहीं रखा है। हमें भी बहुत शौक़ लगता है गैया जिलाने का, लेकिन अब इतना इंतज़ाम से, देखिए कहीं से भी थोड़ा सा उधर खुला है, जिस तरह से इंसान रहते हैं दोस्तों ऐसे ही। जैसे कि हर कोई अगर सोचने लगे गौ माता के बारे में, ये सड़क पे देखिए, सड़क पे एकदम है, और यहाँ पे अपना पूरा इंतज़ाम किए हैं गाय का। ये नींबू का प्लांट लगाए हैं, इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा रोग हो गया है, कह रहे हैं कि दवा के लिए गए थे। एम्मन अभी दवा नहीं डाले हो ना, इधर आवा बोल बोल पर कुछ। ये इनकी वाइफ है दोस्तों, और ये हैं चक्की वाले हैं। अच्छा, ठंडी में परेशानी होती है कि नहीं गैया को, जैसे कि? अरे बहुत परेशानी होती है, जानवर ले आई कथरी से रजाई उड़ाई थे, अपन का करी। हाँ, और यहाँ पे कोई नहीं, इस तरह से रखा है, आप ही रखे हैं। आपको बहुत शौक है क्या गैया का? डीएम साहब से बात करे रहा था कि पहुँचे नहीं पावत है, कि भाई कौन व्यवस्था हमें देगा होगा कि न देगा। तो रात में जैसे मोदी इतना सुविधा देते हैं, जौन बाटे इक्वल भी जौन बाटे देख देख है चाहे नो ना। हाँ, जैसे बहुत लोग गाय को मार देते हैं, इतना सड़क पे टहलती हैं गाय, सब अगर इसी तरह से गाय का सेवा करें कि तो कितनी अच्छी बात है। हाँ, और गाय के गोबर से कितना लाभ होता है, गाय के पेशाब भी बेचा जाता है, और गाय जा रहे परसों जन बाय एक सीसी जन भदोही दे किया बा। कितने का? कितने का? पैसा वैसा ना इधर कर जाइए आप, हम से दे दी हम का। हां, सोच लीजिए दोस्तों, और ये गाय का पेशाब मिलता है पैसे का? हां मिला था, ताकि जन बा देबे नहीं की है, ताकि एक बदे के सुविधा देता ही नहीं बा है। मोदी वहाँ बैठा है कुर्सी पे लगाई के जानवर का, हम व्यवस्था देते हैं, यहाँ कोनो व्यवस्था ही नहीं होता। लेकिन देखिए कितनी परेशानी से, और अपने गाय को यहाँ पे रखे हैं दोस्तों, सब नहीं रख पाएगा इस तरह से। और पूरा देखिए यहाँ पे, दिन में यहाँ पे रहती है, रात में यहाँ पे रख देते हैं ठंडे में। अरे रात में कई बार उठ के आएगी देखती तो जान भाई। हाँ, रात में जान बाटता है, सही बात। और आप भी गाय का सेवा करती है ना? अच्छा, रात में उठती है देखने के लिए? रात में उठती है? रात में तो तीन बार उठती है। मतलब बछड़ा आता है उसको तंग करता है, मार देता है। इसीलिए हम सब उठ के देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए इनका चक्की है दोस्तों, ये आटा की चक्की है, हम लोगों का आटा यहीं पे पिसाता है। देखिए यहाँ पे आटा, ये सुबह उठ जाते हैं एकदम। कई बजे आप लोग उठते हैं? हाँ, 4 बजे 3 बजे। हाँ, जैसे गाय भी रहती है ना, तो फिर मन लगा रहता कि कैसे देखे उसको, क्या जैसे हिल्ला किच्चा में तो नहीं है? जानवर अरे जो बछड़ा उछड़ा जानवर छोड़ देते हैं, जानवर आगे लड़ जाते हैं। अच्छा, अंदर गैया के चला जाते हैं? सोचिए कितना परेशानी होता है, ये लोग रात से अच्छे से चैन से सो नहीं पाते हैं। एक एक बजे रात उठे देख लीजिए दोस्तों कितना अपना परेशानी बता रहे हैं। हाँ, अब देखने वाले को तो होगा कि हाँ चलिए ये मड़ई बना के गैया को रख दिए है ना, लेकिन रात में ये लोग अच्छे से सो भी नहीं पाते, इतना गाय का वो सुख लेने के लिए कितना इनको परेशानी भी है। योगी के पास जाना चाहिए, कह रहा है कि ये वो योगी के पास जाना चाहिए, ये हमारे चैनल में जाएगा राधिका की बगिया में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। दूध दूध देती है कि नहीं गाय? देती है। बेचते हैं कि नहीं? बेचते भी हैं दोस्तों। हाँ, तो कहाँ से चुनी? हाँ, कहाँ से ले? वो सीधी है आपकी गाय ना, मारती नहीं ना? महीना में 4000 रुपया लगा था। 4000 चलाओ ना। हाँ, तो आपको फायदा भी तो दे रही है। और गाय का गोबर सोचिए, उतना गोबर में कितना ऊपरी बनेगा। ऑनलाइन से सब ऊपरी मंगाते हैं,
ऑनलाइन से ऊपर ही सब मंगाओ थे ना, जैसे जे गार्डनिंग करे बा ना ऑनलाइन से गोबर ऊपर ही सब पैसा का। यहाँ गांव में जैसे उतना ज्यादा उनाई बटे ना सब मिल जाता सुविधा बा सबके, और जहाँ नहीं बा तो वहाँ तो सब मंगोबे करे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।